कोई कानून तो अपने हाथ में नहीं रहेगा, तुम कृपया करा सुन लीजिए। हाँ, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे यहाँ पे? अच्छे से बोलो, समझ के क्या बोल रहे हो, समझ में रखो। क्या करोगे तुम, क्या होगा तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हम यही लड़ाई हमारी कोई लड़ाई ऐसी होती है। औकात क्या है तुम्हारी, ये सवाल पूछ रहे हैं एमपी के शाजापुर के जिला अधिकारी यानी कि डीएम, नाम है किशोर कन्याल। वीडियो उस वक्त का है जब हिट एंड रन के नए नियम को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा था। इस दौरान डीएम साहब ने ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात की, लेकिन बात बात में आपा खो बैठे और पूछ लिया औकात क्या है तुम्हारी। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ड्राइवर इस दौरान माफी भी मांगता है, लेकिन डीएम साहब को माफी नहीं सुनाई देती। अब यही व्यवहार डीएम किशोर कन्याल के गले की हड्डी बन गया है। देखते देखते वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोग पूछने लगे, भाई बात करने का ये कौन सा तरीका है? और बात बड़ी तो दूर तलक गई। इतना ही नहीं, मुसीबत तब हो गई जब ये वीडियो एमपी के नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन यादव की नजरों के सामने से गुजर गया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि ऐसी भाषा को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अधिकारी को अपनी भाषा और व्यवहार पर ध्यान रखना चाहिए। मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ास कर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को, अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की, मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। धन्यवाद। अब एक ड्राइवर की औकात डीएम साहब पर इतनी भारी पड़ी है कि उन पर एक्शन ले लिया गया है, यानी डीएम साहब को हटा दिया गया है। किशोर कन्याल 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। डीएम साहब नाराज क्यों हुए ये भी जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। केंद्र सरकार का हिट एंड रन कानून आया है जिसका ये ड्राइवर विरोध कर रहे थे। इस कानून में 10 साल की जेल और 7 लाख के जुर्माने की बात कही जा रही है। पहले ऐसा होता था कि ड्राइवर को बेल मिल जाती थी। अब इस प्रदर्शन को रोकने के लिए डीएम साहब ने ड्राइवर एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई और उसमें ड्राइवर को औकात बता डाली। अब उनका यह शब्द पूरे सोशल मीडिया से लेकर प्रशासनिक महकमे तक गूंज रहा है। हमने उस ड्राइवर से भी बात की जिसकी औकात डीएम ने पूछी थी। जिसको डीएम साहब ये पूछते हुए नजर आ रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है। सुनिए उनका ये बयान। हम प्रशासन शासन के कलेक्टर साहब के ऑफिस में गए थे, तो हम अपनी मांगे लेके गए थे, ठीक है। और हम अपनी मांगे को आगे बढ़ाने के लिए हमने कुछ दो बातें बोली थी। उसके बीच में कलेक्टर साहब ने ये ज्ञापन दे दिया, हमको ये बात बोल दी, ड्राइवर को भड़काने वाली बात बोल दी, बोले कि आपकी क्या औकात है। तो हम इस बात के विरोध में खड़े हैं, तो कलेक्टर साहब को ये बात नहीं बोलना चाहिए, ड्राइवर को भड़का रहे हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीएम किशोर कन्याल ने माफी भी मांग ली। मतलब साफ है कि फिलहाल एक ड्राइवर की औकात डीएम साहब पर भारी पड़ गई है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।